Hey guys, welcome back to another video. कैसा सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और भाई मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो आज की सुबह की शुरुआत कर रहा हूँ मैं फिर से मुक्तेश्वर से। तो इस समय मैं हूँ प्रॉपर मुक्तेश्वर में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कैंप पर्पल, एक रिजॉर्ट है जो कैंप टाइप का जहाँ पर लगता है, तो वहाँ पर मैं हूँ अभी प्रॉपर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं लिखा हुआ है कैंप पर्पल, तो यहाँ पर मैं हूँ इस समय और काफ़ी अच्छा लग रहा भाई। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी अच्छी चलकती धूप यहाँ पर निकल चुकी है और अभी समय हो रहा 7:35 दोस्तों। तो जय श्री राम, जय श्री राधे का नाम लेते हुए आज के दिन का शुरुआत हम करते हैं मुक्तेश्वर से और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है और बहुत मस्त फीलिंग आ रही। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर बर्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है ये और सुकून भरा एक लम्हा जीने के लिए मुक्तेश्वर बहुत खूबसूरत जगह है। और आप मेरे ऊपर सुन रहे हैं बर्ड्स की काफ़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं, तो ये भाई एक अलग ही फीलिंग देता है। वाओ, सो क्यूट। बट आवाज़ से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन बर्ड दिख नहीं रही कौन सी है। अगर दिखती तो शायद मैं पहचान पाता कौन सी बर्ड है। बट काफ़ी घना ऊपर पेड़ है, उसमें बैठी हुई है। तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस समय अभी। और गाड़ी मैंने क्लीन वॉश कर दी है। गाड़ी क्लीन वॉश करने के बाद मैंने कल धोए थे कपड़े और कल हम पता है एक्चुअली मुकेश भाई के वहाँ पर रुके हुए थे नाइट में होम स्टे में। तो मुकेश भाई के वहाँ होम स्टे में रुक कर, क्योंकि मैंने वहाँ कपड़े धोए थे कल, उनके वहाँ कपड़े वपड़े धोकर मैं सीधा कपड़े धोकर मतलब यहाँ से मुकेश भाई की छत में, वहाँ होम स्टे की छत में डाल दिए थे। तो अभी सूख गए थे थोड़ा सा और सूखने के बाद मैं हल्का सा फिर वहाँ से निकल गया क्योंकि मुझे जाना था। और अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सुखाने के लिए डाले हुए हैं, ये मेरी पैंट टी शर्ट वगैरह ये मैंने यहाँ पर डाली हुई है कि थोड़ा सा सूख जाएगी, मतलब थोड़ा सा बचा है, वैसे सूख गई है क्योंकि रात में ओस गिर जाती है ना। तो अभी अच्छी धूप आ गई है तो मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, जब तक मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तब तक ये सूख जाती है। तो अभी फटक से करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलेंगे हम मुक्तेश्वर धाम के लिए। और एक काफ़ी खूबसूरत जगह है चौली की जाली, तो वो दो जगह हम जाएंगे और उसके बाद शायद नेक्स्ट हमारा कसार्द भी रहेगा और फिर आगे को देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं। तो भाई ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना और प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसे आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है भाई, तो मेहनत जारी है, सफ़र आज भी जारी है, बस आप लोगों का साथ और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं मस्त रेडी हो चुका हूँ, बस अब फटाफट से जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और लगभग 8:30 या 9 AM तक यहाँ से निकल ही निकल जाएंगे हर हाल में, क्योंकि हमने बहुत सी जगह जाना है और फिर उसके बाद बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं अभी कैंप में और चाय वाय पीते हैं मस्त करके, निकलते हैं कैंप। ये है कैंप का रास्ता भाई, ये देखो ये कैंप का रास्ता है। कैंप वालों को जो कल शाम को लगाया था ना टेंट हमने वाटरफॉल में, तो ये उनका छूट गया, गाड़ी में रह गया। तो मैंने बोला देख के भी आ जाता हूँ, वो खाली परेशान होंगे तो उनको दे भी देंगे। देखो भाई कैंप का रास्ता कितना यूनिक है ना, मस्त। और कैंप मतलब ऐसा होता है ना भाई, अपनी घर की फीलिंग आती है, पता है बिल्कुल घर जैसा, खाना भी रहना भी पूरा घर जैसा, गांव जैसा, विलेज फीलिंग। हाँ यार दाजू तुम्हारा रह गया है, कल शाम नहीं गए थे हो तो गाड़ी में रह गया था ये। तो ये भाई मस्त बॉनफायर, कल शाम यहाँ पे बैठे हुए थे ये बैठने के लिए भाई, शाम को बॉनफायर जलाने के लिए। और यहाँ से गया है रास्ता सीधा आपका, देखो भाई कैंप में एक अलग ही फीलिंग आती है। और यहाँ पर मस्त बैठकर धूप का आनंद ले सकते हो। ओनली बर्ड्स की आवाज़ है भाई, कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे। अरे डॉगी आ गया, हेलो डॉगी आजा, कहाँ जा रहे तू, भाग के साला। और यहाँ के वॉशरूम भी बड़े यूनिक होते हैं भाई, एक लाइन में कम से कम 10-12 वॉशरूम है। और ऊपर से जो छत की ये लगाया है ना, ये कितना मस्त लग रहा है देखो भाई, ये देखो छत के ऊपर ना ये सिराऊ बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसके अंदर पानी नहीं जाता भाई, इतना बढ़िया है ना ये, पानी नहीं जाते, पूरा जंगल फीलिंग देखो ये।
वॉश बेसन देखो कितना यूनिक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आपके मॉम डैड ठीक है? चाय हो गई? वीडियो बना रहे हो क्या? यस। आप ब्लॉग में भी तो आओगे, ब्लॉग देखोगे ना मेरा, तो आपके सारे ब्लॉग आएंगे। वाला डाल दिया जिसमें आप आपके पापा ने और मम्मी ने वो किया है पैराग्लाइडिंग, वाला ब्लॉग डाल दिया मैंने, आ जाएगा 1 घंटे के बाद। आप घर जाके देखना ना आराम से, रिलैक्स होकर, ठीक है? ये है भाई कैंप, कैंप में फीलिंग आती है विलेज वाली। प्रॉपर जंगल में है यार भाई ये तो, लेकिन कैंप में बहुत मज़ा आता है यार। मतलब अगर उत्तराखंड में आए हो ना तो भाई होटल होटल तो सभी जगह है ना, कैंप में रहो भाई, कैंप में एक अलग फीलिंग आती है, ऐसा लगता है तुम रहना सीखते हो और बहुत कुछ होता है। देखते हैं इस कैंप के अंदर। अभी तो यहाँ पर ये स्टाफ का तो नहीं है, अभी सजाया नहीं है उन्होंने, लेकिन इसके अंदर एक डबल बेड लगता है, एक वो लगता है। बर्ड कितनी सारी है भाई, बर्डों की आवाज़ तो सुनो, एक से एक बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। सुकून भरा लम्हा जीने के लिए सबसे बढ़िया प्लेस है भाई ये। और मेरे को तो ऐसी जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब ना कैंप वाली जगह और विलेज विलेज वाली होम स्टेस, मुझे ये बहुत पसंद है भाई, क्योंकि बहुत अच्छा अपनी उत्तराखंड संस्कृति को बढ़ावा मिलता है इससे, मुझे ये बहुत मस्त लगता है। अरे वो फ्रंट पिन अनलॉक कर, फ्रंट पिन मांगेगा ना वो अनलॉक ना हो। या ले या बिनसर में जल्दी भाई सूट। अभी आते समय देख लेना। फाइनली आ चुके हैं भाई मुक्तेश्वर धाम में, और मुक्तेश्वर मंदिर जा रहे हैं जो कि यहाँ से 250 मीटर के डिस्टेंस में है मुक्तेश्वर धाम का मंदिर, तो निकलते हैं यहाँ से सीधे मंदिर को। तो मैं चलते चलते आपको ये बैठने के लिए मिल जाते हैं भाई यहाँ पर से, और ये देवी का मंदिर एग्जिट, और लगभग 200 से 250 सीढ़ी यहाँ पर पार करनी पड़ती हैं तब जाके आप मंदिर में पहुँचते हो। मुक्तेश्वर मंदिर की जो ऊंचाई है भाई समुद्र तल से लगभग 2290 मीटर की है, और 2290 मीटर मतलब 2300 मीटर ही हो गया समथिंग, काफ़ी है 2300 मीटर ऊंचाई। हाँ यहाँ से फाइनली गाइस ये रास्ता जाता है आगे को चौली की जाली के लिए, जो काफी फेमस है मुक्तेश्वर में चौली की जाली, और जहां से बहुत सुंदर सनसेट और सनराइज व्यू पॉइंट दिखता है। तो हम निकल गए थे सीधा चौली की जाली के लिए मंदिर दर्शन के बाद। तो मुक्तेश्वर धाम दर्शन करने के बाद हम सर लोगों की वीडियोग्राफी करने लगे। यहाँ से रास्ता है ना? यहाँ से नहीं है रास्ता, पागल है रास्ता कहाँ दिख रहा, फोटो खींच रहे वीडियो बना रहे हो। चलो जय हो। सब्सक्राइब भी कर दिया नहीं किया? हाँ लगे अभी आपके लिए, देखो लैडर क्लाइंबिंग।
मॉर्निंग लगाई है, आज भी लगाई है, डिक्लाइन लगेगी अभी। और दाजू ठीक है रे? बस यार कृपा है तुम्हारी, चल रहे मैं तुम्हारी कृपा है, पहले तुम्हें कृपा फिर भगवान कृपा। हम ही तुम्हें भगवान जाए यार, हमें भी जो ठुला दी माया भगवान में हूँ। ठीक चल रहा मोमो तैयारी, चलो और सब भले रही। कहाँ घर? घर घर सराई खेत सरगा खेत। अच्छा हाँ हाँ, भटिला से पहले। मेरा तो इधर हुआ है कोटाबाग, कोटाबाग से। चौली की जाली तू नहीं जाना यहाँ पर, ये एक खींच के दूंगा ना, जो शूटिंग चल रही है बिंसर में। फाइनली पहुंच चुके हैं गाइस KMVN में, कुमाऊं मंडल विकास निगम बिनसर में, जो कि बिनसर में है। और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई, बर्ड, लेपर्ड, गुलदार, बाघ इस एरिया में काफ़ी रहते हैं, तो पूरा ही बर्ड सेंचुरी एरिया है। तो भाई अब जाते हैं सीधे रूम में। फ्लावरिंग देखो भाई कितनी बढ़िया लगी है। ये ऊपर रेस्टोरेंट है भाई, ऊपर वाला। हम जाते हैं रूम में, यहाँ से व्यू देखो भाई, ये नीचे रोड ही है और पूरा डेंस फॉरेस्ट जंगल देखो कितने घने हैं। फाइनली पहुँच चुके हैं रूम पर इनके रेस्टोरेंट में, और ये देखो बूफे लगता है, यहाँ बूफे सिस्टम है, प्लेटें हैं, सभी के लिए यही खाना रहता है। और ये रेस्टोरेंट का व्यू है यहाँ से, और बाहर का व्यू देखिए भाई, ब्लैक फेस मंकी घूम रहे हैं बाहर, मस्त लग रहा है यहाँ से भी भाई, मस्त है यार। और अंदर किचन है, वुडन देखो भाई कितना मस्त लगा ऊपर ये देखो। KMVN की लोकेशन देखो भाई कितनी जबरदस्त है। बीच में होता है, समर में। हाँ तो और जब हम पहली बार आए थे समर्स में आए थे, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ दिखता है। और ये पेड़ इसलिए काटे गए, अच्छा ये वाले, ये पेड़ इसलिए काटे गए, इसलिए वो पीक टाइम होता है ना, इस हिसाब से लाइट तक नहीं है यहाँ। तो भाई ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मैं चार्जर वगैरह लेके आ चुका हूँ, और फटाफट से अब मुँह हाथ धोते हैं और थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, क्योंकि लंच दिन का हो गया और 3:30 बज गया, 3:30 बजे हमारा लंच हुआ है, तो खा पी के बढ़िया करके सो जाते हैं। अब रात को सीधे डिनर करने के लिए उठेंगे। तो ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। प्लीज़ यार अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।